हे गाइस, दिस संदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताने वाला हूँ भाई, जैसे कि बारिशें आने वाली हैं अब, तो पल्सर में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसकी टंकी में है ना पानी भरा जाता है और बहुत प्रॉब्लम आती है फिर लोगों को, गाड़ी चलती नहीं है, बहुत झटके लेती है। तो आज मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो पहले हम टंकी खोल लेंगे, सबसे पहले पूरा मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस करना है आपको, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आगे जाके आए ना बिल्कुल भी। चलिए टंकी खोल लेते हैं। पहले टैंक हमने खोल लिया है, इसमें से गाड़ी में से ये रखा टैंक, और इसमें से पेट्रोल पूरा बाहर निकालेंगे। स्टब में इसे साफ कर लिया, ब्लैक ज़रूर दिख रहा है वो, पर पुराना काला है वो, आगे से गंदा नहीं। हम पेट्रोल निकाल लेंगे। पेट्रोल निकालने के लिए हम इसकी पेट्रोल टी खोल लेंगे पूरी, ये दोनों नट खोल लेंगे। ये दोनों नट हम खोल लेंगे, ये 10 नंबर का पाना लगेगा इसमें। ये दोनों नट खोल के पेट्रोल निकाल लेते हैं इसका। तो भाई इसका टंकी से पूरा पेट्रोल निकाल लिया है, मतलब ज़्यादा था नहीं, मैंने डलवाया नहीं था क्योंकि मुझे पता पानी, आपको एक लेयर दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए ये लेयर, ये नीचे जो है ना ये पानी जा चुका है पूरा, और ऊपर ऊपर जो है वो पेट्रोल है, तो पानी इससे अलग हो गया और पेट्रोल हो गया। तो हमने पूरा ही निकाल दिया क्योंकि हम नया डालेंगे फ्रेश, ये यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने ये वाले भी बोल्ट खोल लिए हैं, ये खोल लिए 8 नंबर के बोल्ट। अब यहाँ से कपड़ा डाल के हम थोड़ा साफ़ कर देंगे, जितना भी कुछ होगा पूरा साफ़ करके फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ आपको ऐसी करनी है जिससे कि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। भाई फाइनल स्टेप हमें जो करनी है कि मैं बताने वाला हूँ, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम कभी ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो छेद देख रहे हैं आप, इस छेद को आपको पूरा फ्री करना है तार डाल के। मैं बताता हूँ अभी कैसे। ये देखिए इसमें कचरा फंसा हुआ है, मिट्टी टाइम के साथ क्या मिट्टी धूल इसमें आके फंस जा रही थी, देखिए तार अंदर ही नहीं जा रहा है, तो इसे हमें पूरा फ्री करना पड़ेगा। आप इसमें अगर WD-40 स्प्रे है तो वो भी डाल सकते हैं, बाकी ऐसे तो करना ही पड़ेगा आपको, तार से पूरा करना पड़ेगा जब तक नीचे तक फ्री नहीं हो जाए। देखिए इसमें अभी हमने बाजू में पेट्रोल डाला, पेट्रोल नीचे नहीं जा रहा है बाजू से छेद से, क्योंकि ये पैक है छेद, तो इसे पूरा अच्छी तरह हम खोल लेंगे, क्योंकि बारिश में क्या होता है पानी जो आता है टैंक के बाजू से वो यहीं से नीचे जाता है, जैसे हम छेद को खोल देंगे पूरा पानी नीचे चला जाएगा। खोल गया छेद, ये देखिए पूरा पेट्रोल सटाक से नीचे जा चुका है। ऐसे ही आपको करना, मैं बताऊंगा कहाँ से निकलेगा नीचे। देखिए भाई इसका छेद पूरी तरह फ्री हो चुका है। अब मैं यहाँ से आपको पेट्रोल डाल के बताता हूँ बाजू से, देखना नीचे से निकलेगा, ये डाल रहे हैं नीचे, देखिएगा देखा आपने, ऊपर से डाला पूरा खाली हो गया नीचे। मैं बताता हूँ कौन सा पाइप है नीचे, ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसमें से ये यहाँ से आता है पूरा, जो भी बारिश वारिश का पानी रहता है यहीं से नीचे निकल जाता है। पल्सर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप टाइम टू टाइम मतलब हर महीने 2 महीने में एक बार उसमें का तार घुसा लेंगे तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको फ्री रखें इस छेद को, तो आपको टैंक में कभी पानी नहीं आएगा, ना कुछ लगाना पड़ेगा पन्नी, ना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इस छेद को आप फ्री रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बताइए कैसा लगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।